महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और शादी के बाद ढेर सारे बच्चे होंगे। तो गुरु देखिए, अभी आए हुए हम जेएनयू कैंपस घूमने के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे, क्योंकि बीएचयू तो आपको एक्सप्लोर करा चुके हैं, दिखा चुके हैं। अभी बस सोच रहे हैं कि जेएनयू दिखाएं, जेएनयू के हॉस्टल दिखाएंगे, क्योंकि जेएनयू भी बहुत सारे छात्र जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो फिलहाल देखिए, आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश, जो बीएचयू में ग्रेजुएशन किए थे, फिलहाल यहाँ से पीजी कर रहे हैं जेएनयू से। तो चलिए, इनके साथ आज हम जेएनयू एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे, तब तक बने रहिए। तो गुरु देखिए, अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिप्रा हॉस्टल। ये जेएनयू का ही हॉस्टल आप देख सकते हैं, हमको लगता है सबसे खूबसूरत हॉस्टल में यही एक है सिप्रा हॉस्टल, वरना इसके पहले जो भी हॉस्टल्स आप देखे थे सब पुराने ही हैं, खंडहर हैं। मतलब लड़कियों के लिए इतनी बेहतरीन सुविधा है, देखिए बाकायदा एकदम हॉस्टल, वीआईपी हॉस्टल है। इसमें लड़कियों के हॉस्टल में आप अंदर तक नहीं जा सकते, मेस तक जा सकते हैं, बाकी लड़के के हॉस्टल में लड़कियाँ आ सकती हैं, ये अलाव है। गुरु देखिए, घूमते फिरते अभी हम लोग आ गए हैं जेएनयू के हेल्थ सेंटर, क्योंकि आई रहते थे रास्ते में एक परिचय की दीदी हैं जिनका पैर टूटा हुआ दिखा, तो हमको वो देखी, तो फिर वो कहीं कि चलो पहले हेल्थ सेंटर तुमको घुमा के ले आते हैं। तो ये देखिए, ये जेएनयू का हेल्थ सेंटर है, आइए चलते हैं अंदर, आपको जेएनयू का हेल्थ सेंटर दिखाते हैं और बीएचयू का हेल्थ सेंटर कैसा है, जेएनयू का हेल्थ सेंटर कैसा है, वो सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देखिए, ये हेल्थ सेंटर है, उसके अंदर चलते हैं और अंदर की चीज़ आपको। तो जैसे ही हेल्थ सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपको 1 बजे के बाद थोड़ा अंदर आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एडमिशन पीयर पर्ची आपके मिल जाएगी, यही के लिए जाएंगे। ये देखिए, ये जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का डेस्क मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना ओपीडी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं। ये इंजेक्शन एंड ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे आप जो मतलब इंजेक्शन वगैरह लगता है इसमें पैर में, और ड्रेसिंग ऐसे जैसे इनका हुआ है। अब ये देखिए, हमारे सामने पेशेंट बैठे हुए हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, अभी रिपोर्ट कार्ड ले जाके डॉक्टर के पास दिखाएंगे। कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, इनका पैर फ्रैक्चर, भैया का हाथ फ्रैक्चर, ये सपाटी ये साथ में लेके आएंगे, इनका कुछ फ्रैक्चर नहीं है। तो ये है जेएनयू का हेल्थ सेंटर। और क्या भाई यहाँ दिखाने के लिए? ये कौन काम का नहीं है, बस आप दिखाने के लिए होता है, डॉक्टर साहब आ गए। हेल्थ सेंटर के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा ढाबा है, जो 24 घंटा खुला रहता है, जो 24 घंटा खुला रहता है, और यहाँ पर आपको नॉन वेज से लेकर वेज से लेकर सारा चीज़ आपको मिलता है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ पे गंगा यहाँ का बेस्ट ढाबा है, तो यहाँ पे आके आप आराम से 24 घंटे रह के खा सकते हैं। हाँ, तो ये गंगा ढाबा पे आ सकते हैं। ये देखिए, अभी तो भीड़ है, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ये देखिए इन लोगों को रेफर कर दिए हैं, तब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अभी तो जेएनयू एक्सप्लोर करने आया था, तो जेएनयू तो ना हुआ, अब हॉस्पिटल एक्सप्लोर जरूर करूँगा। तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ चीज़ें जो होंगे दिखाएंगे आप। ये आपका इंतजार था, देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। देखिए, अभी हम लोग हैं जेएनयू के हेल्थ सेंटर के पास, और आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही अवला नारी। ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं, ऑक्सीजन लगी तो थी। अरे वो तो नहीं, अरे अब इसमें आप तुम खुद बैठो, चलो मुझे थोड़ा सा घुमा दो भाई, मैं आज तक घुमा नहीं हूँ इस पे। घुमाओ घुमाओ, हाँ मुझे जीवन में आज तक कभी तो बैठने का मौका नहीं मिला, आज पहली बार मुझे जेएनयू में आकर बैठने का मौका मिला, काफी अच्छा फील हो रहा है। आप उठ पा रहे? नहीं नहीं, देखिए अभी हम आए थे गंगा ढाबा पर, और गंगा ढाबा से देखिए अभी हम लोग चाउमीन ऑर्डर किए हैं। मालिक ये देखिए 20 रुपये में इतना भरपूर चाउमीन दिया है कि आप खा के अपना पेट भर सकते हैं। एक बनारस में चाउमीन देता है साला 20 रुपये, बेहतर ही रहतेगा भाई, इतनी सा वो पेट इतना भरी मालिक आधा राजीवती। बढ़िया है, अच्छा है ढाबा, हमेशा 24 घंटा खुला रहता है, तब कभी भी आकर यहाँ पर खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यही है ढाबा, चलो घूम लो, आ जाओ घुमा देते हैं। क्या है केसी? तो ये है केसी जहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे जरूरत की सारी चीजें मिलती है। अच्छा, जेएनयू में कैंपस में यही पूरी जेएनयू में यही जगह है जहाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा, सिलाई कढ़ाई बुनाई, अच्छा, घर के सामान, सब्जी आटा चावल दाल सब, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं है कैंपस में, कुछ बाहर सब यहाँ मिल जाएगा। अच्छा मिलता है। तो गुरु
देखिए अभी हम लोग हैं केसी मार्केट में और यहाँ पर आए थे ऐसे ही घूमने के लिए, दिखाने के लिए। आपको देख सकते हैं ये जेन्यून केसी मार्केट है, जहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा जो भी आपका ज़रूरत होगा, आटा से लेकर मैदा से लेकर चड्डी गंजी बनियान मेडिकल सारा दवाई सवाई किताब सब मिल जाएगा यहाँ आपको। हम भी देखिए यहाँ लिए हैं, रैपिंग करके दिया हमको। एक्चुअली हम अचानक से आ गए थे, हम सामान वगैरह अपना लिए नहीं है, बैग लिए नहीं, तो नहाने धोने के लिए कुछ तो चाहिए, तो लिए हैं चड्डी गंजी, तो उसको देखिए मैं पैक करके दिया, लग रहा है कि क्या है नंबर। ठीक है, फिलहाल जा रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे चीज़ें आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं। तो गुरु देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ, अभी हम लोग कैंपस घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं मौसम एकदम रोमांटिक बना हुआ है, मालिक एकदम प्यार करने वाला मौसम। और हकीकत बात है, आपको हम एक सच्चाई बताते हैं, जेएनयू में प्यार वगैरह खूब होता है। मतलब देखिए जैसे बीएचयू से अगर कंपेरिजन करें या किसी भी यूनिवर्सिटी से कंपेरिजन करिएगा, तो आपको हर जगह इतना ओपननेस नहीं मिलेगा जितना जेएनयू में ओपननेस मिला है, मतलब मिलता है। आज हम यहाँ देखे और हमारे दोस्त वगैरह ये चीज़ बताए भी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि यहाँ पर बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स का अलाउ आना अलाउ है, गर्ल्स आए रहें 4 दिन 5 दिन 1 महीना साल भर रहें कोई दिक्कत नहीं है, मालिक ये वहीं स्टे कर जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बॉयज़ को गर्ल्स हॉस्टल में जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स को बॉयज़ हॉस्टल में आना अलाउ होता है। ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ देखिएगा, हम यहाँ हॉस्टल में आए ना, तब हम डिस्टर्ब हो गए, समझ रहे क्या कहा है कि भाई मतलब हर उम्र में देख रहे हैं लड़कियाँ हैं लड़कियाँ हैं लड़कियाँ हैं, मतलब अरे बाप रे बाप, ये चीज़ें भी अच्छी उन्हें देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये रिंग रोड है, आप देख सकते हैं जो रोड जा रहा है खूबसूरत सा रोड, ये रिंग रोड है। रिंग रोड के जस्ट सामने आप देखिए वहाँ पे विवेकानंद जी की मूर्ति या प्रतिमा है, जिसको यहाँ पर के लोग वेदांता भी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में इनका अनावरण हुआ है, वेदांता बोलते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये क्या है भाई, एडमिन ब्लॉक, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जैसे बीएचयू में सेंट्रल ऑफिस होता है, यहाँ पर एडमिन ब्लॉक है, यहीं पर वीसी वगैरह बैठती हैं और यहाँ पर पूरा चर्चा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है, हाँ विवेकानंद जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, इनका अनावरण हुआ है, इनका कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, और जस्ट सामने आप देखिएगा ना, तो वहाँ आपको जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा देखने को मिलेगी, वो सीधे सामने, यानी कि यहाँ एक प्रतिमा एक वहाँ प्रतिमा। तो ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है विवेकानंद जी की प्रतिमा को राइट विंग के लोग सपोर्ट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा के पास लेफ्ट विंग के लोग सपोर्ट करते हैं, और जब बर्थडे वगैरह भी मनता है सुने हैं यहाँ, तो जो राइट विंग के रहते हैं वो विवेकानंद जी के काटते हैं, और जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के काटते हैं। ये सब चीज़ें यही है ना, एडमिन ब्लॉक, हाँ देखिए यही सामने आपको दिखाते हैं एक जगह, आप अक्सर जेएनयू का जब भी आप फोटो देखिएगा ना, तो वही फोटो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यही हम जगह की बात कर रहे थे, जो आप अक्सर फ़ोटो में टीवी में या जो भी जेएनयू को विवाद होता है, तो यही सीन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, यही वो जगह है। सामने विवेकानंद जी थे और यहाँ देखिए ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, यही चूम करके आपको दिखा देते हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये देखिए ये चल रहा है जेएनयू का धरना, जो आप नहीं देखे होंगे तो आज आपको दिखा देते हैं कैसे धरना देते हैं, मालिक कुल धरना दे रहे हैं कि हंसी मजाक कर रहे हैं अपने। और अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ, आइए आपको हम जेएनयू का लाइब्रेरी दिखाते हैं। यहाँ पर भी सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरियाँ हैं, दो लाइब्रेरी है, तो फिलहाल ये रास्ता जाता है लाइब्रेरी की तरफ। और हकीकत बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप अपना कैंपस देखोगे ना, तो वो नॉर्मल मतलब समतल ज़मीन पर है, और यहाँ की जो जेएनयू कैंपस है वो पूरा अरावली हिल्स पर है, यानी आप देख रहे हो ये सब पहाड़ वगैरह, ये सब पहाड़ी तो है, पहाड़ी एरिया पर जेएनयू पहाड़ पर है ना भाई, हाँ पहाड़ को वगैरह को काट कूट के बनाया गया, हर जगह आप देखिएगा खाली बड़े बड़े पत्थर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो वही उधर ही है। और चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ये है जेएनयू का लाइब्रेरी, मालिक इतना लंबा इतना ऊंचा लाइब्रेरी है भाई, लग रहा है कौन एफिल टावर खड़ा किए हैं भाई साहब, एक नंबर। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go.
through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. चलेंगे वापस, चले ऊपर से जेनू दिखेगा। अरे बाप रे, थक गए भाई। तो ये देखिए, अभी हम लोग आए हैं जेनू के 8वें मंजिल पर से, आपको दिखा रहे हैं व्यू। देखिए कितना बेहतरीन, हर जगह पूरा पेड़ जंगल। वो सब क्या है यार, सब वो क्या स्कूल है? अच्छा स्कूल, जैसे यहाँ पे BHU फैकल्टी होता है वैसे यहाँ पे ना स्कूल होता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ फलाने साइंस, यही है। हाँ चलिए अब नीचे चलते हैं यार, थक गए। ऊपर तो बंद था, हम लोग जाते जरूर, छत पे अलाव नहीं है ना, वरना कुछ लोग कूद जाएंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग से तो क्या होगा। जितने भी बिल्डिंग देख रहे हैं आप ना, मतलब यहाँ पे केवल रशियन की किताबें आपको मिलेंगी, उसके नीचे सोशल साइंस, उसके नीचे फ्रेंच, कुछ इस तरह से पूरा डिपार्टमेंट बटा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है। यहाँ लिफ्ट भी लगा हुआ है यार, लिफ्ट ख़राब है, आएगा नहीं, सही आ गया। अब चलेंगे लिफ्ट से, भाई थक गए हम। अब जा रहे हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि अभी जेएनयू की लाइब्रेरी में घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर दिए, दिखाया आपको लाइब्रेरी, थक गए। अब चलते हैं कहीं और, बाहर चलते हैं और कुछ और नई चीजें दिखाऊंगा। अगर गए तभी दिखाएंगे, नहीं गए तो नहीं दिखाएंगे, बस खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो गुरु देखिए, अभी रात का समय है और मैं जेएनयू कैंपस में खाना खा के वॉकिंग कर रहा हूँ। अभी मैं पूरा चलते चलते चला गया था ईस्ट गेट की तरफ, जहाँ पे आई थिंक VC का शायद आवास है। तो घूमते घूमते काफ़ी लंबा घूम लिया यार कैंपस, ये भी जेएनयू कैंपस भी काफ़ी लंबा बड़ा है और अच्छा लग रहा है यार। ये देख सकते हो जेएनयू की सारी लाइट्स वगैरह जल रही हैं, मतलब काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। ऐसा नहीं है, हमेशा लाइट रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात हमें यहाँ की एक चीज़ क्या अच्छी लगी, यहाँ पर सेफ्टी है यार। मतलब कहने की बातें हैं, ये सब जो हम लोग TV वगैरह में दिखा दिया जाता है जेएनयू की छवि को, वैसा जेएनयू बिल्कुल नहीं है। जेएनयू इसके अपोजिट है यार। मतलब अभी मैं आया, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कैंपस में, बहुत शांति है, बहुत शांति है। जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, वो सब राजनीति अफवाह है, कुछ मुद्दों को लेके उठाकर वही गलत चीज़ें दिखा दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी छवि जो है ख़राब हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वैसी नहीं है। तो दोस्त, अभी आपने देखा मैंने पूरा जेएनयू कैंपस को एक्सप्लोर किया, चीज़ों को दिखाया, जो चीज़ हम दिखा सकते थे उसको दिखाया। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा, और नए वीडियो दिखाते रहेंगे, और भी कुछ नए यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसको भी दिखाएंगे, ताकि जो आपका CUCT पैटर्न है, CUET, उसके थ्रू लगभग सारे यूनिवर्सिटी को दिखा दूँ, ताकि जो भी आपको अच्छा यूनिवर्सिटी लगेगा उसमें आप अपना एडमिशन लीजिएगा। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।